Hello students, I am the teacher to this question and let me explain this question to you now. The question says, what happens when a few drops of methyl orange are added to a solution of sodium carbonate? तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अगर कुछ ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज की हम सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या चेंज हमें दिखता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज होता क्या है। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है और हमें पता है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स एक ऐसे सब्सटेंसेस या केमिकल्स आप कह सकते हो होते हैं कि जिनको जब हम एसिड या बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उनके कलर के अंदर हमें चेंज दिखता है। तो हम लिख लेते हैं, दे चेंज their color when they are treated with acid or a base, right? अब methyl orange का जो original color होता है that is orange. अब अगर हम इसको acid या base के साथ treat करते हैं तो इसके color के अंदर हमें change दिखाई देता है। Like जब हम methyl orange को acid के साथ treat करते हैं तो एसिड मिथाइल ऑरेंज के कलर को क्या चेंज कर देता है, येलो। ऐसे ही अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एक बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से रेडिश में चेंज हो जाता है। अब यहां पे हमें दिया गया है सोडियम कार्बोनेट मतलब कि Na2CO3 और हमें पता है सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक बेस। दैट मींस इट इज गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू रेड। तो लिख लेते हैं हमारा फाइनल आंसर। सो हमारा फाइनल आंसर है दैट व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इट्स कलर चेंजेस, लेट्स राइट इट डाउन, इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू रेड। द रीजन बीइंग बिकॉज Na2CO3 is basic in nature. So I think you got it. That's all the explanation to the question. Thank you.